अब्दुल हईपुर में अचानक बैठी जमीन कई फुट नीचे दबी भैंस, ग्रामीणों में मचा हड़कंप। आपको बता दें कि हसैन क्षेत्र के गांव बाढ़ अब्दुल हईपुर में ग्राम प्रधान का भाई धर्मपाल पुत्र मुरलीधर अपने पशुओं को पेड़ के नीचे कई वर्षों से बांधता आ रहा था। आज भी वो अपनी भैंस को लेकर जब पेड़ के नीचे बांधने लगा तो अचानक भैंस जमीन के अंदर धंसने लगी। भैंस ने निकलने का काफी प्रयास किया लेकिन भैंस जमीन के अंदर धंसती चली गई। भैंस के जमीन के अंदर जाने पर भैंस मालिक के द्वारा शोर मचाया गया। शोर सुनकर ग्रामीणों के द्वारा इकट्ठा होकर भैंस को जमीन से निकालने का काफी प्रयास किया गया लेकिन भैंस को नहीं निकाला जा सका। इसके बाद फोन कर जेसीबी को बुलाकर जमीन को खोदकर भैंस को निकालने का काफी प्रयास किया गया तो भैंस के ऊपर मिट्टी फिर से गिर गई और भैंस मिट्टी के अंदर ही दब गई। वहीं इस दुर्घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची हल्का लेखपाल के द्वारा घटना स्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल की गई और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई हेतु जांच आख्या प्रशासन को भेजी जा रही है। अचानक से आई इस दैवीय आपदा से पीड़ित परिवार बहुत दुखी है। वहीं गांव व आसपास के क्षेत्र में यह घटना चर्चा का विषय बनी हुई है। सभी ग्रामीण इस घटना के बाद काफी आश्चर्यचकित हैं कि आखिर जमीन के अंदर इतना गहरा गड्ढा कैसे हो गया। धर्मपाल, तो ये आज क्या घटना हुई है यहाँ पे? ये सवेरे भैंस बांधने लाया था जी, यहाँ संतल जगह थी, 20 साल से बंध रही है, 20-25 साल हो गई हुई, जब से कोई वो नहीं, भैंस मैं खूटा पे लेके नहीं आ पाया। उससे पहले माँ भैंस बैठ गई, बैठने के बाद मैंने उसमें घोंटू मारा सो मैं पीछे को एकदम गई भैंस, में पीछे को हट गया, फिर आगे अंदर क्या? चली गई। फिर उसके बाद जेबीसी आई तो वो उसने निकाली, नहीं निकली, भीतर ही अंदर खाई बैठ जा रही। तो भैंस इसी के अंदर दब गई है? इसी के अंदर दब गई। अच्छा, और सूचना मिली थी सुबह 10 बजे के लगभग कि जमीन धस रही है, तो यहाँ पर आके जब मौके पर जांच की गई तो देखा बम्बा के किनारे पर काफी जमीन ऐसी है जो मतलब जहाँ भैंसे बनती थी और वो धस गई अचानक से, और गड्ढा इतना मतलब गहरा हो गया कि उसमें भैंस का पता नहीं चला है कि वो किधर गई है। उस चीज़ में जैसे उसके फोटो भी नहीं कर पाए और ना उसकी कोई वीडियोग्राफी। मैं ग्राम प्रधान बाढ़ अब्दुल हईपुर त्रिलोकी जी, आइए आपके यहाँ पर क्या घटना हो गई है? यहाँ इस जमीन धसने से जमीन के अंदर भैंस ही चली गई। ये कितने बजे घटना है? ये सुबह ऐसी है 6 बजे की। तो इसे निकालने की कोशिश नहीं की भैंस को? निकालने की कोशिश की, जेसीबी मंगाई मगर निकल नहीं पाई, उसमें पता ही नहीं पड़ पाया भैंस कितनी अंदर चली गई। क्या घटना हुई है भाई? सुबह हम जो है यहाँ से खेत के लिए जा रहे थे, यहाँ सब लोग भाग करके आ रहे थे, देखा तो यहाँ पर भैंस जो है इनकी जो ये बहनी के भाई है छोटे बड़े उनकी भैंस जो इसमें चली गई। अच्छा, तो उस समय आए थे तो सेब सी भी चल रही थी, थोड़ा सर उसका दिखाई दे रहा था बम्बा की तरफ, लेकिन जैसे जैसे वो खोदते गए तैसे तैसे वो अंदर चलती चली गई, बिल्कुल दब गई। तो भैंस इसी के अंदर दब गई? इसी के अंदर दब गई है ये। तो यहाँ पहले कोई पूर्व में गड्ढा वड्ढा था ना? कभी कोई गड्ढा नहीं था।